फ्रेंड्स मुझे मतलब हम सबका स्वागत है। आज बोर्डिंग का पार्ट टू है, तो इसमें हम दिखाएंगे बोर्डिंग दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है और मेडिसिन क्या क्या चाहिए। 7 दिन तक वैक्सीन होने तक, रानीखेत वैक्सीन होने तक क्या क्या मेडिसिन चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हमारा देखिए आप दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा सिस्टम में क्या कहा जाता है, पतरा जो होता है, पतला वाला पतरा जो होता है उससे हम पूरा राउंड मारते हैं। ठीक है, राउंड मार लिए, राउंड मारने के बाद क्या करते हैं उसको, राउंड मारने के बाद उसको अंदर बल्ब लगाया जाता है, ऊपर ढक्कन कुछ डल के। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में, ऐसे ही आपको दूसरा सिस्टम बनाना है। पूरा ढक्कन लगा के इसमें राउंड वाला पतरा है उसके अंदर बच्चा छोड़ना है, नीचे पेपर डालना है, उसके अंदर दाना पानी रखना है, लाइट लगाना है। लाइट लगाने से क्या होता है, उसको जो हीट टेम्परेचर चाहिए, जो उसका माँ देते हैं गर्मी, वही हम इसको इसमें तैयार करते हैं, उतना ही गर्मी इसमें तैयार किया जाता है। तो इसके तरीके से दूसरा ब्रूडिंग सिस्टम है, ये बहुत अच्छा ब्रूडिंग सिस्टम है, इससे आप बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे निकल सकते हैं, जैसे मुर्गी का हो गया, बतख का हो गया, बटर का हो गया, किसी का भी बच्चे को इसको ब्रूडिंग कर सकते हैं। बटर के लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे, बटर के ब्रूडिंग के लिए उसका पानी देने का अलग सिस्टम है, ऐसे नहीं दिए जाते। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे दूसरा ब्रूडिंग सिस्टम है। मगर ब्रूडिंग करते टाइम आपको क्या क्या मेडिसिन चाहिए, वही मेन चीज़ है। मेडिसिन मेन चीज़ रहता है ब्रूडिंग करने में। मेडिसिन अगर अच्छा नहीं हुआ बच्चा मर जाएगा, तो क्या फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो देखते हैं मेडिसिन क्या क्या चाहिए। फर्स्ट दिन अब बच्चा जब ला रहे दूसरी जगह से फार्म में, तो आपको उस दिन पानी में सेलाइन पानी देना है। सेलाइन मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हम जुलब बिलब होते हैं तब जब सेलाइन देते हैं, ओआरएस देते हैं, वो वाला है। और नहीं तो जो हम धूप से आए थक गए तो क्या लेते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं। वैसे ही बच्चा हम कहाँ से लाए, मशीन से निकले तो थका हरा हुआ बच्चा रहता है, उसमें क्या होता है सेलाइन पानी देना पड़ता है, यानी ग्लूकोज देना पड़ता है। ग्लूकोज को देने के लिए 1 लीटर पानी में, जैसे एक पॉकेट लाया तो 4 भाग का 1 भाग आप देख सकते हैं, यानी 4 लीटर पानी में 1 पैकेट हम घोल के दे सकते हैं बच्चे में, और 100 बच्चे में 1 लीटर पानी हम दे सकते हैं पहले लाए तो हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 1 लीटर पानी में 4 भाग का 1 भाग जो पैकेट का है वो, और आप घर में भी इसको बना सकते हैं, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, चीनी ऐसे डाल के मिला के इसको बना सकते हैं, ऐसे भी आप सेलाइन बना के इसमें दे सकते हैं। हो गया सेलाइन के बाद, पहले दिन आ गया तो सेलाइन देना है। दूसरे दिन सुबह लिक्सिन पाउडर देना है। ये जो मेडिसिन है हम हाथ में लेके लेके भी आपको दिखा सकते हैं, मगर हमने बहुत सारे वीडियो में ऐसे दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं लिक्सिन पाउडर कैसे होता है। और इसको पूरा समझने के लिए कैसे देना है ये सब के लिए हमारा मजुमदार फार्म ऐप से नीचे लिंक है, मजुमदार फार्म ऐप्स लिखा है, वो जाकर डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ पे सब दिखाई देगा। 1 से 60 दिन तक का ब्रूडिंग का क्या क्या मेडिसिन चाहिए सब दिखाई देता है। आज हम 7 दिन का ही बताएंगे, 7 दिन में क्या क्या चाहिए वैक्सीन तक, पहले वैक्सीन तक। और ऐसा हो गया लिक्सिन पाउडर आपने दे दिए, और ये सब जो मेडिसिन है ये लेने के लिए नीचे लिंक है, 100 मुर्गी का 50 मुर्गी का पैकेज है, वहाँ से आप ले सकते हैं, पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप से जान के, और ये वीडियो देख के भी आप पूरा हमारा ट्रेनिंग ले लिया तो पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। तो सुबह लिक्सिन पाउडर देना है, 100 बच्चे में 1 ग्राम ही देना है, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाना है, यानी 1 चम्मच छोटा वाला चम्मच का जो रहता है वो उसका आधा पाउडर लेना है, लिक्सिन पाउडर देके पानी में घोल के सुबह देना है। उसके बाद दोपहर तक ये पानी खत्म हो गया, उसके बाद आपको देना है मल्टीविटामिन में विमरल आता है और इम्यूनी आता है। इम्यूनी का मतलब होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के, बच्चा स्ट्रांग दूर, जैसे कि बहुत ये है नाजुक है, बैठे बैठे रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो इसको कहते हैं स्ट्रांग करना है, इसलिए कहते हैं इम्यूनी दे सकते हैं हम इसको। तो बच्चे को हम दोपहर के बाद पानी में विमरल या फिर इम्यूनी यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने का यह है 100 बच्चे में 10 ml दे सकते हैं इसको, 100 बच्चे में 10 ml, 7 ml 8 ml हो गया तो भी चलेगा। इसका जो ढक्कन है, एक ढक्कन हम 100 बच्चे में 1.5 ढक्कन 2 ढक्कन दे दिए, बस हो गया। इतना भी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट चाहिए ऐसे कोई बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा ऊपर कम दे सकते हैं। शाम का टाइम इसको देना है, ऐसे करते कंटिन्यू सेम टू सेम प्रोसेस, सुबह लिक्सिन पाउडर, शाम को इम्यूनी या फिर विमरल, एक दिन इम्यूनी दे दिया, एक दिन विमरल दे दिया, ऐसे करके 3 दिन कंटिन्यू चलाना है लिक्सिन पाउडर को, सुबह और शाम को ये चलाना है। उसके बाद क्या होगा, 3 दिन बाद लिक्सिन पाउडर बंद हो जाएगी, यानी एंटीबायोटिक है ये लिक्सिन पाउडर, तो एंटीबायोटिक खत्म हो गया 3 दिन बाद, 3 दिन ही देना है एंटीबायोटिक। ज़्यादा दे दिया तो बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो 3 दिन ही देना है इम्यूनी और इम्यूनिटी लिक्सिन पाउडर। अभी इम्यूनी और विमरल दूसरे जो 3 दिन हो गया, पहले दिन सेलाइन हो गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये सब खत्म हो गए, 5वां दिन आप इम्यूनी या फिर विमरल दोनों में से एक दे सकते हैं, 5वां दिन दे दिए। 6ठा दिन या 7वां दिन आपको वैक्सीन करना है। वैक्सीन का दिन कुछ चीज़ विटामिन कुछ नहीं देना है वैक्सीन का दिन, पूरा सादा पानी देना है और दाना देना है सिर्फ। तो वैक्सीन क्या करना है, रानीखेत वैक्सीन करना है। रानीखेत वैक्सीन क्या होता है,
आंखों में एक एक ड्रॉप दिया जाता है रानीखेत वैक्सीन। रानीखेत वैक्सीन दो फॉर्मूले में आता है, एक आता है आपका टैबलेट में, उस टैबलेट को पानी के साथ घोल के ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर से आंखों में एक एक ड्रॉप आंखों में दिया जाता है रानीखेत वैक्सीन। रानीखेत का बीमारी अगर फार्म में लग गया तो बच्चा पूरा मर जाता है, इसीलिए आपको रानीखेत का वैक्सीन कंटिन्यू करना ही है। ले ये वैक्सीन लेने के लिए भी नीचे लिंक है, जो द मेडिसिन का लिंक है, मेडिसिन लेने के लिए वहाँ पे जाके आपको वैक्सीन भी मिल सकता है, मेडिसिन भी मिल सकता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वैक्सीन के दूसरे दिन भी पानी में कुछ नहीं देना है, उसके बाद विटामिन चालू करना है। 7 दिन तक ये हो गया, पहले दिन आपको सैलाइन देना है, दूसरे दिन सुबह लिक्सिन पाउडर, शाम को भीमराल या फिर इमिनी, तीसरे दिन आ गया फिर सुबह लिक्सिन पाउडर, शाम को भीमराल, चौथे दिन आ गया फिर सुबह लिक्सिन पाउडर, शाम को इमिनी, पाँचवें दिन आ गया लिक्सिन पाउडर खत्म हो गया 3 दिन देके, तो पाँचवें दिन आपको आ गए ऐसे ही कुछ भी आप इमिनी या फिर भीमराल दे सकते हैं, छठा दिन भी दे सकते हैं या फिर वैक्सीन कर सकते हैं। 6 और 7 दिन, छठा दिन या सातवां दिन आपको वैक्सीन करना है, पानी में कुछ नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है, कुछ भी दे दिया तो बच्चा मर जाएगा, फिर बीमारी लग जाएगी, तो आपको कुछ नहीं देना है, और दूसरे दिन भी कुछ नहीं देना है, ठीक है। आठवां दिन आपको एक बार सुबह लिक्सिन पाउडर दे देना है एंटीबायोटिक। तो दूसरे दूसरे पार्ट में हम दूसरे दूसरे चीज़ बताते रहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा ब्रूडिंग का दूसरा सिस्टम, देख सकते हैं आप ऐसे भी ब्रूडिंग से पहले भी हमने दूसरे दिखाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बदक भी ब्रूडिंग हो रहा है, बदक का भी बच्चा है, जैसे खाकी कैम्बल, ओरिजिनल खाकी कैम्बल है, ये भी ओरिजिनल खाकी कैम्बल, इसका भी ब्रूडिंग हो रहा है। इसका ब्रूडिंग का सिस्टम सेम मुर्गी जैसे ही है, पानी रखना है, दाना रखना है, और ये सबसे सब चीज़ें देना है, मगर 7 दिन में इसका वैक्सीन नहीं होता, इसका वैक्सीन कम से कम 25 से 30 दिन तक होता है, 28 दिन में वैक्सीन किया जाता है, उसका डक प्लेग होता है। बदक के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर नहीं किया तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जो वीडियो देख रहे हैं एक एक लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके लीजिए, वीडियो समझ में नहीं आए घुमा फिरा के देखिए वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी। ट्रेनिंग का वीडियो पूरा धीरे धीरे आते रहेगी, पूरा सिस्टम पता जाएगी, मशीन के ऊपर भी, मेडिसिन के ऊपर भी, कितना दिन में कितना चाहिए, बहुत सारा मेडिसिन आता है, ये सब आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको ब्रूडिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।